प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरा नाम शांता नायर है। मैं केरल प्रदेश में तिरुवनंतपुरम जिले के निडमंगाड़ नाम के एक गांव की रहने वाली हूं और मैं एक हिंदू परिवार से हूं। मेरे माता पिता के 7 बच्चे हैं जिसमें मैं चौथी बेटी हूं। मेरे पिता और भाई लोग नास्तिक थे। वे लोग कम्युनिस्ट नाम की एक पार्टी के होने के कारण किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैं बचपन से ही मंदिर जाती थी, देवताओं पर बहुत विश्वास और भक्ति के साथ पूजा पाठ करती थी और अपने प्रदेश के हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार देवी स्तुति करना, माला जपना और अनेक मंदिरों में दर्शन के लिए भी जाया करती थी। 19 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और मेरे पति एक हिंदू संगठन के सक्रिय सदस्य थे। मेरे शादीशुदा जीवन में जहाँ मैं पली बड़ी थी उस परिस्थिति से बहुत विपरीत था। शादी के बाद मेरी भक्ति और भी बढ़ गई। हमें 2 बेटे भी पैदा हुए। हम समाज में अच्छे से जीवन जी रहे थे, लेकिन इसके बीच में मेरे पति जिस संगठन में काम कर रहे थे वहाँ बहुत समस्या होने लगी। उस जगह पर रहना बहुत मुश्किल होने के कारण मेरे पति वहाँ से बॉम्बे और बॉम्बे से सऊदी अरेबिया में काम के लिए चले गए। वहाँ पर उन्हें एक अच्छा काम मिला। 10 साल में मेरे पति ने वहाँ रहकर बहुत अच्छे से कमाई की। मेरे भक्ति के अनुसार हम लोग मंदिर के पास ही घर खरीदे और वहाँ बहुत अमीर और शानदार जीवन जीने लगे। मेरे पति विदेश में काम कर रहे थे जिसके कारण हमें सब जगह से बहुत आदर और सम्मान मिलता रहा। किसी भी चीज़ की कमी उन दिनों में हमें नहीं थी। कुछ ही सालों में मेरे पति ने वहाँ रहकर बहुत मेहनत की, काफ़ी धन भी कमाया और उन्हें सऊदी अरब में खुद का व्यापार भी शुरू किया और कुछ ही सालों के अंदर हम सबको सऊदी ले जाने का विचार भी करने लगे। मेरे भक्ति के कारण हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस बात से मैं बहुत घमंड भी करने लगी थी। इसी के बीच में विदेश से मेरे पति का फोन आया और वो कहने लगे कि 6 महीने के अंदर मैं आऊँगा और तुमको भी अपने साथ ले जाऊँगा। इस बात से मुझे और मेरे बच्चों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि 1990 के समय में विदेश में कोई अपने परिवार को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए हम लोग बहुत आनंद के साथ वहाँ जाने का सपना देखने लगे थे। लेकिन सब बदल गया। मेरे भाग्य में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मेरे पति का फोन आया और वो कहने लगे कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। वहाँ का उनका एक बिजनेस पार्टनर ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया और जो कुछ अच्छे से चल रहा था वो व्यवसाय एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। हमारे व्यवसाय का ऑफिस को वहाँ की सरकार ने ताला भी लगा दिया। हमारी सारी खुशियाँ और सपने दुख और आंसू में बदल गए थे। मेरा हृदय बहुत टूट गया और मैं बहुत दिनों तक रोती रही। उस दिन जीवन का सारा मतलब ही खत्म हो गया, ये मैं सोच रही थी। जिन देवताओं की मैं उपासना करती थी उसके सामने दिल टूट कर बिलक बिलक कर मैं रोने लगी। रिश्तेदारों के पास गई, ज्योतिषियों के पास गई, तांत्रिकों के पास गई, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। मैंने मेरे पति को किसी न किसी रीति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। जब उनके मित्रों से संपर्क किया तब वे लोग बोलने लगे कि आपके पति ने हमसे बात किया और इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने उनको धोखा दिया है उस मालिक को वो मार कर और वे खुद भी खुदकुशी कर लेंगे। ये सब बातें बोलकर वो कहीं चला गया। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा। उस दिन तक बिना समस्या के मैं जीवन जिया करती थी, लेकिन उस दिन ये सब कुछ एक साथ सुनकर मैं बहुत टूट गई थी। तांत्रिक के पास गई और उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई श्राप मिला है और ये श्राप बात सुनकर मैं बड़े बड़े तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने लगी। उसके द्वारा मेरे पास जो भी पैसे थे, जो कुछ भी मेरे पास था, वो सब कुछ खत्म हो गया, जिसके कारण मैं और भी कर्जदार बन गई थी। 1991 से 1994 तक बहुत ही कठिनाइयों से हम लोगों ने अपने जीवन गुजारा। लोग हमें श्रापित कहते थे, रिश्तेदार हमसे दूर हो गए थे, पैसा खत्म होने के कारण सारे मित्र भी हमें छोड़कर चले गए थे, मैं और मेरे बच्चे अनाथ हो गए थे। धन का मूल्य संसार में कितना बड़ा है ये बात मैं उन दिनों में समझ गई थी। हमें कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था, बच्चों को सही से खाना भी नहीं मिल पा रहा था। पति को क्या हुआ इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। सारे मंदिरों में जा जाकर मैं रोती रही, कोई भी समाधान नहीं हो पाया। आखिर एक सप्ताह हमें खाना ना मिलने के कारण हम भूखे रहे। उस स्थिति में हम समझ गए थे कि आगे हम नहीं जी पाएंगे। उस समय मैं मर जाने का भी विचार कर रही थी, लेकिन बच्चों को इस बात के लिए मनाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और मरने के लिए जहर खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। किसी न किसी रीति से मर जाने के लिए मेरे बच्चे भी सहमत हो गए, इसलिए किसी जहरीला पेड़ का फल ढूंढने के लिए मेरा दूसरा बेटा गया। उस रास्ते में उसके साथ 2 बातें हुई। पहला, मेरे बेटे का एक पुराना मित्र उससे रास्ते में मिल गया। वो उस रास्ते से वहाँ के गाँव में प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए जा रहा था।
उसने मेरे बेटे को भी प्रार्थना में बुलाया और कहा, प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। ये सुनकर मेरे बेटे को हंसी आई। कौन सा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? सच तो ये है कि हमारा कोई परमेश्वर है ही नहीं और कोई परमेश्वर हमें चाहता ही नहीं है। तब आपका परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करेगा? आपके परमेश्वर यीशु को मुझसे प्रेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरा धर्मांतरण करना चाहते हो। ये कहकर मेरा बेटा वहां से उसे छोड़कर आगे जहरीला फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन जिस रास्ते में प्रार्थना सभा चल रहा था, उसी रास्ते से होकर वो गुजर रहा था। वहां पर कोई सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और मेरे बेटे को भी हृदय में उसके दोस्त का वो शब्द गूंज उठा, प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। इसलिए वो उस चर्च के रास्ते में थोड़ा सा रुक गया। तब चर्च से किसी को इस प्रकार कहते हुए सुना, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर मनुष्यों को इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर 2000 साल पहले भेजा। और परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया। उसके कारण यीशु को परमेश्वर ने पापियों के हाथ में सौंप दिया और उन्हें क्रूस पर मार डाला। लेकिन प्रभु यीशु को परमेश्वर ने तीसरे दिन जिला दिया। वो प्रभु यीशु आज भी जीवित है। आप कोई भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, आप जहां भी हो वहां प्रभु को हृदय से पुकारोगे तो जरूर वो इस घड़ी प्रभु यीशु आपकी पुकार को सुनकर आपकी परिस्थितियों में उतर के आएगा और आपको और आपके परिवार को छुड़ाकर आपकी समस्या का समाधान वो निश्चित रूप से करेगा। ये सुनकर मेरे बेटे को कुछ शक हुआ। प्रभु यीशु ईसाइयों का परमेश्वर है, मैं तो हिंदू हूँ, क्या मैं पुकारूंगा तो वो सुनेगा? लेकिन वहां से ये आवाज फिर से आई कि आप किसी भी जाति के हो, प्रभु यीशु किसी से कोई पक्षपात नहीं करते, यीशु आपसे भी प्रेम करते हैं। ये सुनकर वो उस प्रार्थना भवन के अंदर गया और सबसे पीछे बैठ गया और प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे परिवार टूटे हुए हैं, क्या आप हमें भी बचा सकते हैं? टूटे हृदय से मृत्यु के कुछ ही कदम के पीछे खड़े होकर मैं आंसू के साथ प्रार्थना करने लगा। तुरंत उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतर आया। उसे लगा बड़ी आंधी तूफान निकल गई है, एक बड़ा बादल का छाया हट गया है। एक अद्भुत प्रकाश और शांति मेरे बेटे ने अनुभव किया। तब उसने प्रभु यीशु से कहा, मुझे और मेरे परिवार को भी बचा लीजिए, ऐसे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहने लगा। उस समय उसके जीवन में प्रभु यीशु का अद्भुत शांति पवित्र आत्मा के साथ उतरते हुए उसने महसूस किया और उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। कुछ समय के अंदर वह ऊंचे शब्द से प्रभु को धन्यवाद करने लगा। उसका जीवन बदल गया था। धीरे धीरे प्रभु की शांति उसके जीवन में उतरने लगी और उसका सारा बोझ दूर हो गया था तथा मृत्यु का जो विचार उसके अंदर था वो भी हट गया। कुछ ही समय के अंदर उसे विचार आया कि अगर मैं यहीं बैठा रहूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ और मेरे भाई मुझे ना देखकर आत्महत्या ना कर ले। इसलिए वो बड़े आनंद के साथ घर पर वापस आया। तब मैंने मेरे बेटे से पूछा, जहरीला फल मिला क्या? तो दे दो, हम जल्दी से खाकर मर जाते हैं, रात होने का इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। मेरे अंदर उस समय भी एक ही बात चल रही थी कि जल्दी से जल्दी मर जाए। लेकिन मेरे बेटे ने कहा, जहरीला फल तो नहीं मिला, ऐसा ही हम लोग अब मरेंगे भी नहीं। और वो कहने लगा कि प्रभु यीशु हम लोगों से भी प्रेम करते हैं, वो केवल मसीहों का परमेश्वर नहीं बल्कि सब मनुष्यों का भी प्रभु है। मैंने प्रभु यीशु को देखा। ये सुनकर मैं भयभीत हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि भूख और प्यास और मृत्यु के भय के कारण मेरे बेटे का मन व्याकुल हो गया, इसलिए वो ये सब बोल रहा है। मुझे लगा कि वो होश में नहीं है, यीशु यीशु बोल रहा था। मैंने सोचा रास्ते में किसी ने उसको कोई नशा तो नहीं खिलाया, मुसीबत के ऊपर मुसीबत ही आ गई है। ये कहकर मैं रोने लगी। वो जो कह रहा था वो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बड़ा वाला बेटा कहने लगा, ये मरना नहीं चाहता है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं कष्ट सहने और भूखा रहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मैं जाकर जहरीला फल लेकर आऊँगा। लेकिन दूसरे दिन जहर लेने के निर्णय लेकर उस दिन हम लोग सो गए। परंतु दूसरे दिन सुबह होते ही हम सब के जगने से पहले ही कोई हमारे दरवाजा खटखटाने लगा। मैं जाकर दरवाजा खोली, वहाँ एक अजनबी व्यक्ति था। उसने मुझसे कहा, कल रात में परमेश्वर ने मुझे इस घर के लोगों को परमेश्वर के कुछ संदेश पहुँचाने की प्रेरणा दी है। मुझे और मेरे पहले बेटे को उनकी बात सुनने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे दूसरे बेटे ने कहा, पास्टर जी यहाँ तक आ गए हो तो जो कुछ बोलना है बता दीजिए। बेमन से मैंने भी कहा, ठीक है 5 मिनट में जल्दी से कहकर यहाँ से चले जाइए। उस व्यक्ति ने हमारे घर में घुटने टेक टेक कर हमारे लिए रो रो कर प्रार्थना की, प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगे और मैं किचन में उनकी प्रार्थना सुनकर रह नहीं पाए। लेकिन मैं वहाँ से जल्दी से जहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे थे उस कमरे में आई।
उस समय में हमारी सारी समस्या जो केवल हमें पता थी, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, वो सारी बातें हमें बताने लगी। ये सुनकर मैं बहुत आश्चर्य हो गई और मैं बहुत सारे तांत्रिकों के पास गई, लेकिन कोई भी मुझे ये बातें नहीं बता पाए थे। ऐसे में हमारी सारी परिस्थितियों के बारे में पास्टर जी ने ठीक ठीक कैसे बता दिया, ये मैं सोचने लगी। उस क्षण में मैं परमेश्वर की आत्मा से नियंत्रित हो गई। प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया और मैंने उस पास्टर से पूछा कि हमारे घर का श्राप तोड़ने के लिए आपका यीशु सक्षम है। तब उसने कहा, सिर्फ आपका नहीं, सारे मानव जाति के पापों और रोगों और श्रापों को अपने ऊपर उठाकर प्रभु यीशु कालवरी के क्रूस पर मरा, इसलिए आप लोगों को मरना नहीं पड़ेगा बल्कि प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना और गवाही देना होगा। पास्टर आगे कहने लगे, प्रभु यीशु ही ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग एक सप्ताह प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, तब आपको समझ में आएगा। तब हमने उस परमेश्वर के दास से पूछा, लेकिन हमें प्रार्थना करना तो नहीं आता है। तब वो कहने लगे कि जिस प्रकार हम अपने बहुत निकट संबंधी या किसी प्रिय जन से जिस प्रकार बातें करते हैं, वैसे ही प्रभु से बातें करना, अपना कष्ट, संकट, मुसीबत, व्याकुलताएं सब प्रभु को बताना, प्रभु आपको समझाएगा, वह आपका सारा समस्या का समाधान करने में सक्षम है। ये बोलकर वह प्रभु का जन वहाँ से जाने लगा। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास नहीं हुआ क्योंकि हम बहुत कर्जदार थे, हमारे पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी प्रार्थना करके देखते हैं सोचकर हम तीनों लोग बैठकर रोते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु हमें बचाइए, हमारा कोई नहीं है, मेरा पति कहाँ है उनका कोई पता नहीं है। मेरे बच्चे भी प्रार्थना करने लगे, हमारे समस्या का समाधान के लिए हमारे पिताजी को वापस लाइए करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के चौथे दिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। मेरे पति का फ़ोन आया और वो सिर्फ इतना कहने के लिए फ़ोन किए कि मैं जीवित हूँ। हमें उनकी बातें सुनकर बहुत बड़ी शांति मिली और सारा बोझ दूर हो गया, क्योंकि सब ने कहा था कि मेरे पति कभी वापस नहीं आएंगे, हमारी भी सारी उम्मीद समाप्त हो चुकी थी। इसलिए जब वो जीवित थे ये सुनते ही हम सब बहुत खुश हो गए। लेकिन हमारी समस्या वैसे ही बनी रही क्योंकि मेरे पति का पासपोर्ट नष्ट होने के कारण वो वापस नहीं आ पा रहे थे और कोई भी काम वहीं पे ढूंढ नहीं पा रहे थे। मेरे पास भी कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, ना कोई काम था। प्रत्येक दिन का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। प्रत्येक दिन का खर्चा नहीं चला पा रही थी, मेरे बच्चे भूखे रह रहे थे, सिर्फ पानी ही पीते हुए वो दिन गुजार रहे। प्रभु यीशु की शांति और अद्भुत कार्य देखने के बावजूद भी यीशु परमेश्वर है या नहीं, ये शक मेरे मन में हुआ करता था। कौन परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, ये मैं सोचती रही। हमारी समस्या सहने से बाहर हो चुकी थी। परमेश्वर है तो वो कौन है, वो कहाँ है, मैं किसी के बात नहीं मानूंगी, ऐसे निर्णय भी लेने लगी। एक दिन मैंने कहा कि अगर परमेश्वर है तो मुझे खुद अनुभव होना चाहिए, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। यह कहकर मैं रोती हुई सो गई। उस नींद में प्रभु यीशु ने मुझसे बात की, उसने मुझे बेटी करके पुकारा और कहने लगा, तुमको रोते हुए और सच्चे परमेश्वर कौन है ये पूछते हुए मैंने सुना है। आगे प्रभु ने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, केवल मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ। ये कहकर प्रभु ने अपना हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। नींद में मैं ये सब सुन और देख रही थी। दूसरे दिन सुबह मैं बड़े आनंद के साथ उठी, मेरा सारा बोझ दूर हो चुका था, मेरे जीवन से मृत्यु की चिंता और डर भी दूर हो चुकी थी। तब मैं बच्चों से कहने लगी, मैंने मेरे उद्धारकर्ता को कल रात में देखा और अनुभव भी किया, मेरा सारा भय और बोझ दूर हो गया है, सब कुछ सामना करने की हिम्मत मेरे अंदर आ गई है। मेरी योग्यता को ना देख कर प्रभु ने मुझे आत्मा से भर दिया था, मैं संपूर्ण रीति से बदल गई थी। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, भूख, प्यास, कर्ज और बोझ सब भूल गई। फिर धीरे धीरे विश्वासियों को घर पर बुलाती और उन लोगों के साथ प्रार्थना करती। ऐसे हमेशा प्रार्थना करने और वचन पढ़ते ही रहने की चाहत और प्यास मेरे जीवन में और बढ़ता गया और मेरा जीवन पूरे रीति से बदल गया था। हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा सब कुछ बदल जाने के साथ साथ एक नई समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई थी। वो ये था कि हमें श्रापित बोलकर छोड़कर चले जाने वाले रिश्तेदार और धर्म के सब लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो गए। वे सब कहने लगे, ये लोग अपना धर्म बदल कर मसीह लोग बन गए हैं और मसीहों को घर पर बुला रहे हैं,
ये कोई भी सह नहीं पा रहे थे। समाज के लोग हमारे विरुद्ध एक झुंड बन गए। हिंदू संगठन के लोग आकर उपदेश देना शुरू कर दिया। हमारी समस्या में हमें अकेले छोड़कर चले गए रिश्तेदार ललकारने लगे और बहुत जल्दी ये बंद करो नहीं तो तुम सबको ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमारे हृदय में मसीह का प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग निरंतर प्रार्थना करने लगे। उस परिस्थिति में भी प्रभु यीशु ने हमसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन दिनों में हम ये बात को समझ गए थे कि प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष समय या जगह या कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है। किसी भी हालत में हो, किसी भी ज़रूरत में हो, कभी भी किसी भी अवस्था में प्रभु को अगर पुकारेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा और हमें उत्तर भी देगा। एक दिन हमारे पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने प्रार्थना करके बच्चों को पानी दिया, तब भी हम भोजन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रभु ने हमारे हालतों को देखा और उस समय कोई दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना और मैंने जाकर जब देखा तभी एक मसीह बहन बहुत जल्दी हमारे घर में घुस आई और रसोई की ओर आगे बढ़कर भागकर सारे बर्तन खोल खोल कर देखने लगी और वो रोने लगी। हमने उनसे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तब वो कहने लगी, हर महीना वो अपने माता पिता के लिए राशन लेकर जाती थी, वैसे ही वो उस दिन भी उस महीने का राशन लेकर जा रही थी। लेकिन जब वो उस रास्ते में पहुंची, तब अचानक प्रभु यीशु ने उससे कहा, इस घर में ये सारा सामान पहुंचाइए क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे शक हुआ प्रभु ने जो मुझसे कहा है वो सच है या नहीं, ये देखने के लिए मैं आपकी रसोई में गई थी। प्रभु ने मुझसे बात की, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कहकर उन्होंने उनका सारा घर का सामान हमारे किचन में रख दिया और वो बहुत खुशी और आनंद के साथ चली गई। इतना महान और दयालु परमेश्वर को और कहीं नहीं देखी थी मैं। हम लोगों को कोई उधार तक नहीं देते थे। जब प्रभु यीशु हमें मिले तब से हम अपनी सारी ज़रूरत प्रभु को बताते थे। एक दिन हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास कोई मदद के लिए कुछ नहीं था और कोई नहीं था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ से लें। लेकिन मैं मेरे बच्चों के साथ दरवाज़ा बंद करके हम प्रार्थना करने लगे और टूटे हुए मन से प्रभु को पुकारने लगे। एक दिन हमारे प्रार्थना के समय ही कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा और जब जाकर देखा तो वो डाकिया था। सालों पहले से कहीं गायब हुए मेरे पति हमारे लिए 5,000 रुपये भेजे थे। हमारा परमेश्वर जो कुछ नहीं है उसे है करके बुलाने वाला है। जिस दिन उधार चुकाना था उस दिन इस तरह प्रभु ने हमारी मदद की। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करते गए। सही से प्रार्थना करना भी नहीं आता था, लेकिन हमारे हृदय की भाषा को प्रभु जानते थे। हमारे समाज के लोग, रिश्तेदार हमें हर बातों में ईसाई हो गए बोलकर दूर करते थे। समाज के किसी भी कार्यक्रम में हमें शामिल नहीं करते थे। रिश्तेदार बच्चों के भविष्य के बारे में कहकर प्रभु को छोड़ने के लिए प्रेम से भी और क्रोध से भी हमसे बातें करते और हमें चेतावनी देते थे। तब मैंने मेरे पति के रिश्तेदारों से कहा, जब हम कष्ट में थे, हम मरने वाले थे, तब किसी ने हमारी सहायता नहीं की, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आप लोगों ने तो हमें श्रापित बोलकर त्याग दिया था। आप लोगों से तो जो प्रेम और सुरक्षा हमें मिलना था वो प्रभु यीशु ने हमें दिया। मुझे अब पति के बारे में और बच्चों के भविष्य बारे में भी कोई चिंता नहीं है, सब कुछ प्रभु संभाल लेंगे। मैं मर जाऊँ या जीवित रहूँ, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन उन लोगों ने कहा, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। उन दिनों में मेरे सगे भाई भी मुझसे कहने लगे, यीशु को और प्रार्थना करना छोड़ दो, वरना तुम हमारे घर पर पैर नहीं रखना, किसी भी बातों के लिए घर पर आना भी नहीं, हमारा नाम तक तुम नहीं लेना, ये कहकर गुस्से से चले गए। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। लेकिन सच्चाई यही थी, उस समय पुराना शांता मर चुकी थी। प्रभु यीशु मुझ में जीवित है। प्रभु ने मुझसे कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। यही प्रभु यीशु मुझ में जीवित है और मैं यीशु में जीवित हूँ। हमारी आर्थिक तंगी और बढ़ जाने से भी हमें कोई दुख नहीं हो, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हमेशा हम आनंदित रहते थे। हमें अच्छी नींद भी मिलती थी, आत्मा और सत्य के साथ आराधना भी करते थे। प्रभु हमसे स्वप्न में और दर्शन के द्वारा बातें भी करते थे। हमारा सारा भय और डर दूर हो गए थे। लेकिन उस समय हमारे विरोध में जातीय लोग और मसीह विरोधी लोग उठ खड़े हो गए। हमारे बच्चों को मारने की और उन्हें उपद्रव करने की योजना शत्रुओं ने बनाया, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके सारी युक्तियों को असफल करते हुए अद्भुत रीति से हमें सुरक्षित रखते गए।
हमारे विरोध में प्रचार भी करते थे। हम मसीह हो गए ये कहकर जो जातीय दुकानदार था वो भी हमें सामान देने से इनकार कर दिया। जैसे कि हम लोगों ने कोई बड़ा अपराध किया हो या कर रहे हो, ऐसा व्यवहार सब कोई हमसे कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति हम लोगों से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं थे। जातीय विरोध के कारण मसीह लोग भी हमसे सावधान हो चुके थे। ये सब बातों से मेरे बच्चे बहुत उदास और दुखी हुआ करते थे। एक दिन लगभग 150 लोग हमें जलाकर मारने के लिए पेट्रोल लेकर घर पर आ रहे थे और हम लोग आत्मा से प्रार्थना कर रहे थे। उस समय वे हमारे घर के रास्ते में आपस में झगड़ा करके भाग गए। वे सब हमारे विरोधी थे, लेकिन प्रभु उन्हें तितर बितर कर दिए। आमेन। लेकिन विरोध बहुत बढ़ने के कारण मेरा बड़ा बेटा मुझसे और छोटे बेटे से बिना बताए कहीं भाग जाने का विचार करने लगा। उसी दिन रात में प्रभु यीशु ने उसे दर्शन देकर कहा, बेटा तू भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। प्रभु यीशु को उसने देखा। हाँ मेरे सुनने वाले प्रभु के लोगों, हम लोगों ने अपने कष्ट मुसीबत के समय प्रभु यीशु की महिमा को अपने ही आँखों से देखा और अनुभव भी किया। हर बातों को, हर ज़रूरतों को लेकर हम हर समय प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करते थे। प्रभु आज तक सब कुछ पूरा करते आ रहा है। उस संकट के दिनों में प्रभु यीशु का दर्शन हमें बराबर मिलता रहा। एक बार प्रभु ने मुझसे मेरा नाम लेकर पुकारा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस बात से मैं बहुत आनंदित हूँ। प्रभु हमेशा हमारे साथ था। जहाँ हम जाएं प्रभु साथ थे। हर जगह हमारे लिए अच्छा करते थे। हम लोग विश्वास में मजबूत होते गए। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता है। उन दिनों में हम ये अनुभव करते थे, हमारी हर ज़रूरतों के लिए हमारा प्रभु सोचने से पहले हमारे लिए उपाय करते थे। हम विश्वास का वचन को अंगीकार करके प्रार्थना करते थे। हम हृदय में जो कुछ सोचते थे वही प्रभु पूरा करते थे। ऐसे हमारा विश्वास बढ़ता गया। आज हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। 1991 से 1994 तक हम लोग मरे हुए ऐसे अनुभव से गुजर रहे थे। 1994 में हमने प्रभु यीशु को पाया, जिससे हमारा जीवन बदल गया और प्रभु के राज्य के सदस्य बन गए थे। 1997 में हमारे प्रार्थना का उत्तर के रूप में मेरे पति जो खोए हुए थे वो फिर से वापस घर लौट आए थे। शैतान के बंधन में फंसे हुए मेरे पति को प्रभु ने वापस पहुंचाया। सारे रिश्तेदार और समाज के लोगों के बीच ये एक आश्चर्य की बात हुई थी। 7 साल के बाद घर पर वापस आए मेरे पति ने कहा, बहुत बार आत्महत्या के लिए निर्णय लिए थे लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन उन्होंने हम लोगों को ध्यान से देखा, ना बिंदी, ना बाल में फूल लगाए, ना कोई गहने पहने हुए हैं। पत्नी और बच्चे बहुत ही गरीबी की हालत में भी बहुत खुशी के साथ गाना गाकर खुशी से रह रहे हैं। घर पर शांति और एकता बना हुआ है। ये सब देखकर उसने बच्चों से कहा, बच्चों मेरे पास केवल 100 रुपये है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चों ने पिता को गले लगाकर कहा, पापा हमें पैसा नहीं चाहिए बल्कि पापा आप चाहिए। यह कहकर वो रोने लगे। उन्होंने भी घर में शांति का अनुभव किया। उन्हें हमारे विश्वास के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हम लोग प्रभु के विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते गए। कुछ दिनों के अंदर मेरे पति को समझ में आया कि शाम को देवी स्तुति गाकर पूजा करने वाली मेरी पत्नी अब बच्चों के साथ नीचे चटाई बिछाकर बहुत भयभक्ति के साथ यीशु की आराधना और प्रार्थना कर रही है। ये सब देखकर सुनकर मेरे पति को एहसास हुआ कि सच में ये मेरा पुराना वाला परिवार नहीं है, ये लोग बहुत बदल गए हैं। लेकिन बाहर रिश्तेदार और हिंदू संगठन के लोग मेरे पति को दबाव डालने लगे कि हम लोगों को पुराना रीति रिवाजों में वापस लाए। उन्हें बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। उतनी ही समस्या समाज के लोग करने लगे थे, बाहर कहीं नहीं जा पा रहे थे। हमेशा प्रार्थना आराधना के कारण घर पर रहने में भी उनको मन नहीं लगता था। वो बहुत संकट में पड़ गए। इसलिए वो ये निर्णय लेने लगे कि किसी भी तरीके से अपने परिवार को मसीह से अलग करना है, और वो घर में समस्या और अशांति उत्पन्न करने लगे। मेरे हाथों से एक गिलास पानी तक पीने के लिए वो इनकार करने लगे। हमें परेशान करना शुरू कर दिया। हम लोगों के प्लेट और ग्लास में पानी पीना भी बंद कर दिया, क्योंकि हम ईसाई हो गए थे, ये पुराना धर्म छोड़ दिया। हर समय दोष लगाना, घर में आपस में बातें ना करना। जब मैं रोकर प्रार्थना करती थी तब मुझ पर आरोप लगाते थे कि मैंने रो रोकर इस घर को नष्ट किया है। इसलिए रोने के लिए भी मुझे मना करते थे और हंसने के लिए भी हम पे गुस्सा करते थे। ऐसे कई सारे पाबंदियां लगाना शुरू कर दिए थे।
प्रभु के लोगों का घर पर आना बंद हो गया, घर पर प्रार्थना करने के लिए भी मना कर दिया। हम लोग बिना प्रार्थना से रह भी नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं मेरे पति का घर से बाहर जाने का इंतज़ार करती थी और उसके लिए प्रार्थना भी करती थी। उनको ये बात भी समझ में आया, इसलिए वह घर से निकल कर जाने के बाद तुरंत वापस आकर हम लोगों को प्रार्थना करते हुए देख कर मारपीट करने लगते थे, बाइबल उठाकर पटक देते थे। उन्होंने हमें किसी भी तरीके से वापस ले जाने का निर्णय लिया था। लगातार 3 साल तक ये सब होता रहा। मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत सताया, सहने के बाद अपमान करते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने सामर्थ्य से हमें भर दिया, इसलिए ये सब बातों में हम डरे नहीं और ना ही पीछे मुड़ कर गए। अनेक प्रभु के दास लोगों ने कहा कि उनको उद्धार पाने में समय लगेगा, लेकिन मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब तक वो प्रभु को स्वीकार ना करें तब तक मैं आज़ादी से प्रभु की आराधना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु का पैर पकड़ के रोने लगी और वो निरंतर मैं उनके लिए प्रार्थना करती गई और प्रभु ने मेरे पति को छुआ और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। हम दोनों एक साथ बपतिस्मा भी लिए और पवित्र आत्मा के दान को भी पाया, प्रभु के उत्तम संतान बन गए। आज मैं और मेरा परिवार प्रभु के सेवक बन गए हैं, सेवकाई में आनंद के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आज मेरे दोनों बच्चे भी परिवार के साथ सेवकाई कर रहे हैं। हमें प्रभु ने अपने पवित्र बुलाहट में बुलाया, इसलिए हम प्रभु को हर समय धन्यवाद करते हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, मेरी समस्या संकट मुसीबत में मेरी आंसू को देख कर तरस खा कर मुझे और मेरे परिवार को उद्धार और अनंत जीवन का आशा दिया हो प्रभु यीशु, आप पर भी जरूर तरस खाएंगे। आप उनके पास जाइए और अपने दुख संकट उन्हें बताइए और किसी से वो पश्चपात नहीं करते। वो आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। उनके पास जाने वालों को वो कभी नहीं त्यागेगा, इसलिए आप भी प्रार्थना करें, वो तुम्हें उद्धार और अनंत जीवन देगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमेन।